थाल तैयार हो चुका है पूजा का। वहाँ कुंती अपना थाल तैयार कर चुकी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं रेडी हो चुकी हूँ, पूजा करने जा रही है। आप सबको तीज के हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भी निकल रही हूँ, पूजा करने जा रही हूँ मंदिर कुंती के पास। अभी यहाँ से निकलूँगी। काफ़ी गर्मी लग रहा है भाई, अभी तक तो बर्दाश्त हो गया है, अब आगे देखिए क्या होता है। मुझे देखिए, अभी मिट्टू को कहती हूँ पूरा लुक दिखाए। चलिए फिर निकलते हैं और वहाँ आपसे मिलते हैं। मैं विपुल के साथ निकल चुकी हूँ। काफ़ी उमस है, धूल भी बहुत है। देखिए वहाँ जाते जाते क्या होता है। मार्केट में काफी भीड़ है, अभी हम लोग रास्ते में ही हैं, धीरे धीरे निकल रहे हैं। तो फाइनली मैं कुंती के घर पहुंच चुकी हूँ। कुंती भी रेडी हो चुकी है और यहाँ पूजा का सारा सामान तैयार कर रही है। मंदिर यहाँ से एकदम नज़दीक है, लेकिन हमें लगता है कि हालत ख़राब हो जाएगा, जाने में उतने दूर। गर्मी काफ़ी लग रहा है। मेरा थाल तैयार हो चुका है पूजा का। वहाँ कुंती अपना थाल तैयार कर चुकी है। और मम्मी और मौसी तैयार हो गया है लो, मंदिर के लिए निकल रहा है लो। और आगे फिर मंदिर में आप लोगों को दिखाते हैं आगे का क्या होने वाला है। बाइक से जाते हैं कि पैदल जाते हैं, अभी सस्ते में है थोड़ा दिन। और यहाँ मंदिर में हम लोग पहुँच चुके हैं। काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं। हम लोग वेटिंग में है कि जाए थोड़ा सा खाली हो तो। गर्मी बहुत है यह सब आपके मुख से मैं सुनना चाहता हूँ। उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीय के पर्वत में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियाँ हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं, नाना प्रकार के पक्षी, अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहाँ पहुँच कर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता सिद्ध चरण पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहाँ पहुँच सुनो, मैं भगवान शिव का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह योग्यतन योग्य कन्या रत्न किसी योग वर को दें। भगवान विष्णु के समान योग वर है ब्रह्मा इंद्र शिव, उनमें कोई नहीं है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप तो स्थिति आप देख सकते हैं, मेरा काफी मुश्किल था अंदर जाना, बहुत भीड़ है। कुंती वहाँ लगी हुई है, दिखा रही है, यहाँ पूजा कर रही है अभी। और यहाँ पे कथा हो रहा है, काफी भीड़ है, हम लोग लाइन में खड़े हुए हैं। उस रोज दिन व्रत राज कर पवित्र सुगंधित फूल सुगंध और मनोहर धूप बनाकर एक भोग लगाएं, एकत्र आत्म में पूजा करें। वहाँ फोटो खिंचाया जा रहा है।
सुपारी जामुनी नींबू और यहाँ मेरी बुआ भी मिल गई है। मंदिर में तो काफी लाइन लगा हुआ है। मैं आपका सदा नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मा जी के साथी और पति का धोखा देने से होती है, इसलिए सभी स्त्रियाँ इस व्रत को करें। यह कथा सुनने के लिए हम लोग बैठ चुके हैं यहाँ शुरू हो चुका है। काफी हल्ला है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन वहाँ पंडित जी बैठे हैं, हम लोग थोड़ा शुरू है। यहाँ हमारा फोटो भी खींचा चुका है, वीडियो नहीं बन पाया और ऊपर खिंचवाया चल रहा है। यहाँ देख सकते हैं काफी भीड़ कम हो चुका है। प्रकार के पशु उसमें निवास और काफी बारिश होने लगा है और हम लोग बारिश में भीगते हुए जा रहे हैं। मेरा दशा देखिए, तौली से ढकी हूँ फिर भी भीग रही हूँ मैं। सारा मेकअप खराब हो गया, लेकिन राहत है भाई, बहुत राहत है। काफी गर्मी था, यहाँ देखिए बारिश ही बारिश। यहाँ देखिए काफी बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा, उम्मीद से भी ज्यादा। और ये हमारी स्थिति है, ये देखिए क्या स्थिति है हमारी, सारा निकल गया। और मैं भीगते भागते घर पर पहुंच चुकी हूँ, पूरा पूरा भीग गए हैं। श्रीवास्तव जी अभी आए हैं, पूरा भीग गए हैं वो भी, तो उसी में एक दो को फोटो हो चुका है। अब मेरे बस की बात नहीं, पूरा भीग चुकी हूँ, अब कोई फोटो नहीं। मैंने क्या क्या सोचा था, घर पर जाकर मैं फोटो खिंचवाऊंगी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता है। पूरा मैं गीली गीली हो गई हूँ, गीली। और ये रात सुबह का समय है, सुबह क्या 8 बज गया है। मैं नाश्ता वास्ता बनाने लगी हूँ और अब जाके मैं पूजा करने जा रही हूँ। मैंने कुर्ती प्लाजो डाला है, आज मैंने साड़ी नहीं डाला, कल तो इतना हालत ख़राब हो गया था कि क्या बोलूं। फिर भी सारा खाना पीना बन गया है, मैंने बना लिया है, मैं बाद में दिखाऊंगी, पहले पूजा कर लूं। और हाँ, मैंने एक बूंद पानी भी नहीं पिया है, मैंने अच्छा से पूजा किया है। कल कितना भी प्यास लग रहा था, लेकिन मैं पूजा अपना व्रत नहीं तोड़ी, पानी नहीं मैंने पिया। और अब जाके मैं जा रही हूँ जल्दी जल्दी पूजा करने, आवाज़ भी नहीं निकल पा रहा है, इसमें ब्लॉगिंग तो करना ही है। और मैंने इंस्टाग्राम पे रील भी बनाया है, वहाँ भी जाकर मेरा देखे और लाइक करें। और ये मैंने दुपट्टा भी ले लिया है, मैं टिक्का भी पहन लिया है। और यहाँ पूजा करने जा रही हूँ। यहाँ सिनोरा मैंने साफ उपर के रख लिया, और यहाँ मैं आईना से देख देख कर पूजा कर लिया है। अब दिखाऊंगी कि खाना पीना में क्या बना है, उसके बाद मैं पानी पीऊंगी। चना आलू का सब्जी मैंने बनाया है, दाल बनाया है
और यहाँ चटनी है और यहाँ पकौड़ी विपुल कोशिश कर रहा है बनाने का। यहाँ रख के बनाओ, यहाँ पास लाओ, कम आँच करो, पहले कम आँच करो। हाँ लो, देखिए श्रीवास्तव जी सुबह से मेरे से लड़ रहे हैं। देखिए कि हम कल से इतने भूखे प्यासे इसे बेकार हो जा रहा है। सुबह से सुबह मुझे रुला दिए हैं, मारे नहीं, मारना तो दूर, मेरे को तो छू मारना दूर, छू नहीं सकते हैं लेकिन बात से मार देते हैं। तभी हर साल के भांति अभी रस मादा होगा इनका, उनको मैं प्रणाम करूंगी। नहीं हम करवाएंगे, नहीं करेंगे, भाव खा रहे हैं। तो श्रीवास्तव जी को प्रणाम करने के साथ ही आज मेरा तीज का व्रत समाप्त होता है। अब थोड़ा सा कुछ पा लिया जाए तो थोड़ा शक्ति हो जाएगा लड़ने का। क्या श्रीवास्तव जी, हो गया ना? पहले चूरन से क्या ये देखिए मैं बनाई है, श्रीवास्तव जी मेरे लिए ला रहे हैं खाना, कहेंगे कि हाँ हम ही सब किए हैं। थोड़ा सा चटनी दे दीजिए, चटनी दिए है मेरे को। अरे यार सब्जी में डाल, अच्छा कोई ना, चलिए तो यही मेरा खाना है। देखिए दाल चावल और चटनी, चना आलू की सब्जी, इसमें बैंगन केला लौकी सब है। लौकी अभी दे रहा है बाबू बाकी सब। चलिए तो हम खाते हैं फिर उसके बाद मिलते हैं। तो आज दिन में कुछ ब्लॉगिंग नहीं हुआ, बस थकावट काफ़ी था तो बस सोना हो गया, क्योंकि सुबह मैंने ब्लॉग किया उसके बाद से मोबाइल तक नहीं उठाया। तो अभी भी खाना पीना हो चुका है और हमारा तो ब्लॉग यहीं पर आज यहीं एंड करूँगी। अगर मेरा ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें, और एक नए ब्लॉग के साथ कल मिलते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट।